जल संरक्षण हेतु बोरी बंधान निर्माण का तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्षा जल को सहेजने हेतु जल संरक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति तथा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के BSW MSW के छात्र छात्राओं के लिए एक प्रशिक्षण का आयोजन शासकीय महाविद्यालय बागली में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जनपद पंचायत बागली के सब इंजीनियर सुनील बम के द्वारा जल संरक्षण हेतु बोरी बंधान किस प्रकार निर्माण किया जाता है यह उपस्थित प्रतिभागियों को समझाया गया। बोरी बंधान के माध्यम से हम जल संरक्षण के साथ साथ सिंचाई हेतु जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो सकती है। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में बंधान का निर्माण प्रत्येक पंचायत में किया जाना है, जिसमें हम जन सहयोग के माध्यम से बोरी बंधान निर्माण का कार्य करें, जिससे जल संरक्षण किया जा सके। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के विकासखंड समन्वयक प्रफुल्ल पाठक द्वारा जल का महत्व तथा समिति एवं के छात्र छात्राओं के माध्यम से बारिश के बाद बोरी बंधन का कार्य किया जाएगा, जो कि संपूर्ण जन भागीदारी के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु अधिकतम गांव में जल संरक्षण की गतिविधि की जाना प्रस्तावित है, जिसका प्रशिक्षण आज प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान नवाकुर समिति के शेखर मराठा एडवोकेट द्वारा पर्यावरण विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन परामर्शदाता राजेंद्र सेंधव द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन आशीष पाटीदार जनपद सदस्य एवं MSW छात्र द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से परामर्शदाता गोकुल राठौर महेश सोलंकी प्रवीण जाट अशोक भाटी आदि उपस्थित थे। बागली देवास से SB न्यूज जिला ब्यूरो चीफ मेहरबान गुर्जर की रिपोर्ट। ये नहीं बता सकते हम, आप बता सकते हैं एक बोरी बंधान से कितने मीटर में पानी रुकने वाला है, कितनी हाइट पे लेंगे तो कितना पानी रुकने वाला है, ये सब हमारे इंजीनियर साहब बता सकते हैं ना। तो जो तकनीकी चीजें आपको हमने बहुत सारी चीजें बता दी, अब प्रैक्टिकल चीजें क्या है? प्रैक्टिकल ये है कि साहब हमको बोरी चाहिए। अब बोरी कैसी? सीमेंट की बोरी है ना, ज्यादातर हम सीमेंट की बोरियां गाँव में हमको उपलब्ध हो जाती है। तो हमारी जो पंचायतों में भी बोरी बंधान बनने वाले हैं, हमारी सारी जो 118 पंचायतें हैं विकासखंड की, उनमें सब जगह बोरी बंधान बनने वाले हैं। तो हम वहाँ एक तो उनका सहयोग इसमें मट्टी भर देंगे और यहाँ पर जो फर्स्ट रो है इसमें भी अपन काली मिट्टी नीचे भर देंगे कि पानी की जो गैप है वो सब इधर पानी का जो फ्लो है उससे रुक जाएगा। इसी के ऊपर ये बोरी जमा दी जाती है तो ये जो पानी है इसका जो पानी है यहाँ का जो भरेगा ये करीब करीब 200-250 मीटर इस पानी को यहाँ पे भरा जाएगा। 150 मीटर पानी मतलब आपका 1500 क्यूबिक मीटर पानी होता है, जो कम से कम 3-4 हेक्टर जमीन को इसको सिंचित कर देता है पानी। आप बोरी बंधान करीब ज़्यादा इस पार वाले नाले पे नहीं बनाना, छोटे नाले पे ही ज़्यादा सक्सेस रहेंगे। ज़्यादा पानी आएगा तो ये बोरियाँ पलट जाएगी और हो जाएगा।